Good morning everyone. This is Mahesh Shah. I am PGT teacher at Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for standard 10. Subject is social science. And chapter number 5, India's Heritage of Science and Technology. Uh, in my last video, we discussed about chapter 4, uh, literary heritage of India. In that we studied about the education of India, the different universities, and the contribution of different different time period of Indian history. In that we studied about Vedic literature as well as classical literature. In this video, we are going to study about the science and technology of our country in ancient period. तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आ, वीडियो चालू करने से पहले एज़ यूजल जो मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है आ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि आपको नए जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में आपको बताना है तो ये चैप्टर में हमें जो देखना है उसमें हम इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे उसके बाद में हम मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे मेडिसिन और सर्जरी में हमारा इंडिया का साइंस एंशियन टाइम में कितना डेवलप था उसके बारे में बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे अदर साइंसिस के बारे में बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में वास्तुशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद एक एक्सरसाइज होगी जो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दी है अब ये चैप्टर चालू करते हैं हम जानते हैं कि हमारा जानेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री है इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितनी प्रॉस्परस थी वन टू तो फोर्थ चैप्टर के जो भी वीडियोस है उसमें आपने देखा ही होगा वैसे ही इस चैप्टर में हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की है तो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें से एक थ्री मार्क का क्वेश्चन और दो शॉर्ट क्वेश्चन वन और टू मार्क के आ सकते हैं तो लेट स्टार्ट द वीडियो तो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि सेक्स जो रूसी मुनि हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं यही सब साइंटिस्ट हैं हमारे एंशंट इंडिया में जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की है तो द डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ब्रॉड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर आज के डेट में ये साइंस और टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की वजह से वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है वो एक दूसरे से एकदम करीब आ गए हैं पर ये आज की बात है और सभी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रहा है पर जब एंशियट इंडिया की बात करते हैं थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड ईयर्स पहले की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया के अलावा कोई कंट्री के पास साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस हैज़ इंक्रीज हैंस न्यू एटीट्यूड हैज़ डेवलप्ड अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी जब डेवलप्ड होती है तो कोऑपरेशन भी डेवलप्ड होते हैं एक दूसरे को हेल्प करने का एटीट्यूड बनता है और उससे वर्ल्ड में पीस और को एग्जिस्टेंस बना रहता है कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टूवर्ड्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस सिंस साइंस मींस सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मींस द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक वर्ड नहीं है दोनों अलग अलग है और ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन के बोर्ड एग्जामिनेशन में आई थी तो साइंस यानी क्या है तो साइंस यानी नॉलेज सिस्टमेटिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी वो सिस्टमेटिक नॉलेज को कैसे यूज़ करना है उसका नॉलेज उसकी नीड तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक वर्ड नहीं है दोनों अलग अलग हैं पर फिर भी दोनों की यूटिलिटी और मर्जर और नीड्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है हो सकता है कि 2020 2021 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है अब ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चल गया अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि हमारा जो साइंस था एंशंट साइंस ऑफ इंडिया जिसको हेरिटेज भी बोल सकते हैं और टेक्नोलॉजी वो कैसा था तो द ग्रेट सेक्स ऑफ आवर एंशंट इंडिया हैव गिफ्टेड इन वैल्यूएबल हेरीटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्कवरी की है जो आज की डेट में भी मॉडर्न कंट्रीज़ मॉडर्न साइंस का बेस है अगर शायद हमने वो नहीं ढूंढा होता अगर हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये डिस्कवरी नहीं की होती तो पॉसिबल है कि आज जितना साइंस एडवांस है उतना नहीं होता दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी केमिस्ट्री साइंस ऑफ मेडिसिन सर्जरी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स तो कोई एक फील्ड में हमने डेवलप नहीं किया था या डिस्कवरी नहीं की मेटरोलॉजी केमिस्ट्री साइंस ऑफ मेडिसिन सर्जरी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र फिज़िक्स ये सब में हमने बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट ढूंढे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि ये सब हमारी कंट्री में पहले होता था हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया में हैं और हम इंडिया के सिटीज़न हैं इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट रिलीजन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी बट ऑल्सो इट हैज़ मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो वन टू फोर चैप्टर में जो हमने लिटरेचर आर्ट रिलीजन एजुकेशन के बारे में पढ़ा इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं था इसके अलावा भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमोंग द ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न एज research रिसर्च research, रिसर्चिस have proved that India has scientific attitude along with religious outlook. तो आज की डेट में जो रिसर्च हुए उससे पता चला है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो खाली रिलीजियस आउटलुक में नहीं बट साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट uh, था हमारे जो टेक्नोलॉजी थी हम जब ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे तब वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के लोग तो नॉमेडिक लाइफ स्पेंड करते थे वर्ल्ड के बाकी कोई कंट्री में लैंग्वेज भी नहीं थी यानी कोई लाइफ भी नहीं थी कोई लिटरेचर भी नहीं था कोई एजुकेशन भी नहीं थी कोई लैंग्वेज भी नहीं था वो टाइम में इंडिया में लैंग्वेज लिटरेचर एजुकेशन आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी सब डेवलप्ड हुआ था तो ये हमें बताता है कि इंडिया का जो कल्चर uh, है इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितनी पावरफुल रही होगी ये अलग बात है कि आज मॉडर्न टाइम में हम हमारा जितना भी नॉलेज थे वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं वापस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज है उसको हम वापस गेन करें और ये पॉसिबल भी होगा अब ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है जो अभी की जनरेशन है जो पढ़ रही है इफ़ यू आर टेकिंग योर एजुकेशन सीरियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर एजुकेशन देन यू विल फाइंड आउट आवर हिडन नॉलेज अगेन एंड यू मेक आवर कंट्री पावरफुल नेसन ऑफ द वर्ल्ड तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसकी वजह से ही आपके एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस इतना कॉन्सनट्रेट किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्रोलॉ metrolog, मेट्रोलॉजी के बारे में जिसको धातु विद्या भी बोलते हैं कि जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था तब हमारी कंट्री में मेटल में से स्टेच्यूज बनाने की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली थी सिंस एंशियंट एज द पीपल ऑफ़ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ एंशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी अ मेटेलिक आइडल ऑफ़ फीमेल डांसर डिस्कवर फ्रॉम इंडियूस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया तो जो वो फीमेल डांसर डिस्कवर जो स्टेचू हमें मिला था वो ये है ये आपकी टेक्स्टबुक में फ़ोटो नहीं है पर यहाँ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया है लेटर स्टैचू ऑफ बुद्ध बिलोंग टू कुशन पीरियड एट तकसशीला तो ये जो बुद्ध का स्टेचू तकसशिला से मिला जो अभी पाकिस्तान में है वो ये बुद्ध का स्टैचू मिला था इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल वेयर मेड द स्टेच्यू ऑफ नटराज अ मास्टर पीस इन स्कल्पर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये स्टेच्यू चोला डायनेस्टी का है नटराज जो है वो भगवान शिव का एक रूप है जो हमने लास्ट थर्ड चैप्टर के वीडियो में हमने देखा था जब हम डांस फॉर्म की बात करते थे कि क्लासिकल डांस फॉर्म का जो स्टार्टिंग डांस का जो स्टार्टिंग हुआ वो लॉर्ड शिव ने किया था नटराज उनका वो फॉर्म है जब वो बहुत ही हैप्पी होते हैं या बहुत ही गुस्से में होते हैं और जब डांस परफॉर्म करते हैं और उनका जो रूप सामने आता है उसको नटराज बोला जाता है तो ये जो नटराज का स्टेचू है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जितने भी डांसर्स है ख़ास करके तो क्लासिकल डांसर्स वो इनकी ही पूजा करते हैं नटराज की इट इज़ प्रिजर्व्ड इन म्यूज़ियम ऑफ चेन्नई ये स्टेचू आपको चेन्नई के म्यूज़ियम में मिलेगा अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्चर कैन बी सीन इन द म्यूजियम वहाँ पे आपको राम लॉर्ड राम की भी आपको स्टेचू मिलेगी आर्टिस्टिक स्टेचूज ऑफ गॉड्स एंड गोडेसिस बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बीटल नट कटर आर कंसिडर्ड टू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक आर्ट तो ये सब स्टेच्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ये टेक्नोलॉजी है हमारी पुरानी कि कैसे हम लोग मेटल को मेल्ट करके उसमें से स्टेच्यू बनाते थे ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ये हमारी हेरिटेज है इसे हमें संभालना चाहिए और इसके ऊपर और रिसर्च भी करनी चाहिए हमें और डिस्कवरी करनी चाहिए कि ये उन्होंने कहाँ से सीखा वॉट इज़ द पायनियर थिंग फॉर देम टू लर्न दिस आर्ट उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब रिसर्च की बातें हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गन न्यू नॉलेज एक्साइटमेंट एंड हमें ये एहसास होना चाहिए हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि मुझे नया कुछ जानना है मुझे कुछ नया सीखना है और मुझे कुछ नया डिस्कवर करना है तो ये है मेटोलोलॉजी के बारे में काफ़ी कम डिटेल है सिलेबस के हिसाब से पर आप नेट के ऊपर से इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो इसकी जो डिटेल है वो आपको इंस्पिरेशन देगी आप इससे इंस्पायर होंगे और जो कोई भी साइंस फील्ड में आगे जाके अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल केमिस्ट्री की बात आती है कि इंडिया की केमिस्ट्री कितनी एडवांस थी उसमें आचार्य नागार्जुन जो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे वो टॉप पर थे केमिस्ट्री इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस ये कोई थियोरिकल तो सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है दिस साइंस इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स प्लांट्स सीड्स फॉर एग्रीकल्चर मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन दैम तो ये जो केमिस्ट्री है वो Uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इससे आप मिनरल्स ढूंढ सकते हो प्लांट्स के बारे में आप जान सकते हो एग्रीकल्चर के लिए हेल्थी सीड्स आप बना सकते हो जिसको आप ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हो अलग अलग मेटल बना सकते हो और उसमें चेंज भी ला सकते हो इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन और मेडिसिन बनाने के लिए भी केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है आचार्य नागार्जुन लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदाई यूनिवर्सिटी इज़ नॉन एज द आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री तो आचार्य नागार्जुन के बारे में अगर आप नेट से सर्च करोगे ये उनका फोटो है जो फर्स्ट पिक्चर है ये वाला वो नालंदाई यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और उनको आ, केमिस्ट्री के फादर हमारे इंडिया में माना जाता है ये है रिटर्न बुक लाइक रस रत्नाकर ये ये उनकी लिखी हुई बुक है रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंत्री ये आरोग्य मंजरी ये दोनों जो है वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन बुकों में उन्होंने केमिस्ट्री का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में लिखा है अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंपलसरी होगा तो आप आचार्य नागार्जुन को स्टडी कर सकते हो और आगे और पढ़ाई करनी है तो आचार्य नागार्जुन के ऊपर आप पीएचडी तक भी स्टडी कर सकते हो आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ एलोपैथी एलोंग विथ हर्बल मेडिसिन एलोपैथी को कैसे यूज़ करना है हर्बल मेडिसिन को यूज़ करके वो उन्होंने डिस्कवर किया था इट इज़ बिलीव डेट द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी एस एज ए मेडिसिन वॉज इनिशिएटेड बाई हिम मर्क्यूरी एस को मेडिसिन के जैसा यूज़ करना है वो डिस्कवरी उन्होंने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इज ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फंड्स फॉर स्टडी एंड रिसर्च तो नालंदा यूनिवर्सिटी उनकी स्कूल थी और एक फैक्ट्री थी जहाँ पर वो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते थे दिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस उपरस टेंट टाइप ऑफ पॉइजन एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट्स एंड एस ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में ये सब आ, आप उनके बुक पढ़ोगे ये रस रत्ना कर तो उसमें आपको दस अलग अलग टाइप के जो आ, रस होते हैं यानी केमिकल होते हैं उपरस होते हैं यानी सब केमिकल होते हैं और अलग अलग टेन टाइम टाइप के डेडली पॉइजंस और उनके यूज़ और अलग अलग मिनरल्स के सॉल्ट और एस कैसी होती है वो उनकी बुक से आपको पता चलेगा द कोपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एंड एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री तो ये जो स्टेच्यू आप देखिए केमिस्ट्री की जो स्किल है उसका रिफ्लेक्शन है द कोपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सेवन एंड हाफ फीट हाई एंड वेट वन टन आप इसकी हाइट देखोगे तो सेवन एंड हाफ़ फिट है उसका वेट जो है वो वन टन के करीब कम से कम ट्वेंटी किलो वन टन इज इक्वल टू ट्वेंटी किलो होता है द स्टेचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज एटीन फीट हाई एंड एग्जिकाइट एग्जाम्पल इज ऑफ विजय स्तंभ द ट्वेंटी फोर फीट हाई आयन पिलर विच वेट इज सेवन टन्स बिल्ट बाय चंद्रगुप्त टू तो ये दिल्ली में है आयन पिलर अब यहाँ पे केमिस्ट्री कैसे काम में आती है तो केमिस्ट्री इस तरह से काम में आती है कि ये चंद्रगुप्त टू के पीरियड में बना था फिर भी आज से करीबन एक हज़ार साल सोलह सौ साल से ऊपर की ये बात है फिर भी ये रस्ट फ्री है इसके ऊपर रस्ट नहीं लगा है तो ये केमिकल फंडामेंटल की वजह से ये हम बना सकते हैं ऐसा उसके अंदर केमिकल मर्जिंग इस तरह से होता है कि ये जितने भी नेचुरल फैक्टर्स है उसकी इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होती है और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास केमिस्ट्री का पूरा पूरा नॉलेज हो स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज़ नॉट येट कोरोडेड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्केमिकल लॉर ऑफ इंडिया लॉर यानी एजुकेशन uh, टीचिंग आप बोल सकते हो तो हमारे यहाँ पे इतना सारा नॉलेज था इतना हमारे अंदर टैलेंट था जिसके एग्जाम्पल्स आज के डेट में ही आज, आज की डेट में भी है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने सीखा है जो हमने जाना है आ, और जो हम पढ़ रहे हैं वो आ, कोई फोक स्टोरी नहीं है फोक टेल नहीं है दिस ऑल आर द रियलिटी इन अवर कंट्री अदरवाइज तो ये एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में कैसे मिलते है? तो ये एग्ज़ाम्पल्स प्रूव करते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री थी वो कितनी एडवांस थी अब साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें जानने को मिलेगा ये सब हमारे चरक सुश्रुत और वागभट्ट ये तीनों तीन डॉक्टर्स आप बोल सकते हैं इनको या तो साइंटिस्ट भी बोल सकते हो जिन्होंने ये फील्ड में मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है यानी एक सिंपल अगर मैं आप बात बोलूँ तो स्टेटोस्कोप की अगर बात करें तो हार्डली हंड्रेड ईयर्स के आजू बाजू ये अमेरिका में डिस्कवर हुआ था स्टेटोस्कोप जिससे आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपके हार्ट बीट्स जो चेक करते हैं वो स्टेटोस्कोप होता है पर हमारी कंट्री में आज से तीन हजार साल दो हजार साल पहले ऑपरेशन होते थे अब ना ही वो टाइम पे कोई मशीन्स थे जैसे एमआरआई मशीन है और दूसरे जो आप मशीन्स बोलते हो सी स्कैन वो नहीं थे ना ही कोई कंप्यूटर थे फिर भी हमारे यहाँ पे आ, आ, प्लास्टिक सर्जरी होती थी अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते थे एग्जैक्टली वन थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स सी में आ, राजा भोज जो हमारे यहाँ थे उनका ब्रेन सर्जरी हुआ था एक हजार साल पहले कन, हमारी कंट्री में ब्रेन सर्जरी वो भी कंप्यूटर के बिना आज तो कंप्यूटर कैमराज हैं तो आपके ब्रेन में आपके स्कल में एक छोटा सा हॉल बना के उसके अंदर कैमरे के थ्रू पूरी सर्जरी हो जाती है कंप्यूटर पर देखे देखे पर ये तो थाउजेंड ईयर पहले जब ब्रेन सर्जरी हुई राजा भोज की तो वो टाइम पे कोई कंप्यूटर नहीं थे तो ये जो साइंस था वो आज के डेट का जो साइंस है उससे काफ़ी एडवांस था ऐसा बोला जा सकता है इंडिया एट एन एंड अनप्रिजेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी साइंस सिंस एंशियंट पीरियड महर्षि चरक ये चरक है महर्षि चरक है ये महर्षि सुश्रुत ये महर्षि सुश्रुत है एंड वाघ भट्ट ये वाघ भट्ट है ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत पिक्चर नहीं है आ, पर आप यहाँ पर समझ सको इसके लिए मैंने ये पिक्चर्स सब यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं महर्षि चरक महर्षि सिसरित्ड बाघब पायोनियर द इंडियन मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी थ्रू देयर इंटेंस रिसर्चिज एंड रीच टू तो द ग्रेटेस्ट हाइट तो अगर जब हम हम आइंस्टाइन और न्यूटन के आईक्यू की बात करते हैं और उनको वर्ल्ड में हम टॉप साइंटिस्ट की रैंक में रखते हैं तो ये तो मॉडर्न फैसिलिटी की वजह से जो भी उन्होंने डिस्कवर किया वो हुआ पर हमारे जो लिटरेचर है वैदिक लिटरेचर में ये जो बातें लिखी गई है वो टाइम पे कोई भी मॉडर्न मेकेनिज्म नहीं था तो ये जो हमारे साइंटिस्ट है महर्षि चरक महर्षि सुश्रुत वाघब्ट उनके आई लेवल को हम कौन से लेवल पे काउंट कर सकते हैं महर्षि चरक हैज़ रिटन अ बुक चरक संहिता तो ये महर्षि चरक ने लिखी थी इन्होंने चरक संहिता इन विच ही हैज़ मैंसन ओवर टू थाउजेंड मेडिसिनल हर्ब्स टू थाउजेंड टाइप के मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में इसके अंदर लिखा है महर्षि सुश्रुत हैज़ मैंसन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन सर्जरी महर्षि सुस्रुत ने जो इंस्ट्रूमेंट जो वो सर्जरी में यूज़ करते थे वो सब इस बुक में लिखा है और आज की डेट में भी अगर आपको अमेरिका जाके अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको चरक और सुश्रुत ये दोनों के लिटरेचर को पढ़ना ही होगा अदरवाइज यू विल नॉट पास द एग्ज़ामिनेशन ऐसा सुनने में आया है आ, तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे इतने सार पेज इंस्ट्रूमेंट थे वो टाइम पे कि अगर आपको हेयर को हॉरिजॉन्टली अगर कट करना है तो आप नाइफ़ या सीजर से कट कर सकते हो पर अगर आपको वर्टिकली मैं बोलूं कि आपके एक हेयर को वर्टिकली आपको टू पीस में डिवाइड करना है वर्टिकली यानी इस तरह से आपका हेयर है उसको दो पीस में ऐसे और ऐसे इस तरह आपको कट करना है बीच में से तो क्या आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कट कर सको सिवाय के लेजर मशीन लेज़र मशीन से ये पॉसिबल है बाकी हाथों से तो ये इम्पॉसिबल है और हमारे यहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट हुए थे जो हेयर को वर्टिकली टू पीस में कन्वर्ट कर सकते थे और ये सब आपको डिटेल्स सुश्रुत संहिता में मिल जाएगी द इंस्ट्रूमेंट वेयर सो सैप देट दे वुड्स स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हैर इन टू टू डिविजन वाक बट हैज़ रिटन अ बुक वाघ बर्ट संहिता जो अष्टांग हृदयम के नाम से भी जानी जाती है ये बुक और ये उनकी पूरा बुक की ओरिजिनल पिक है इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क study of charak sahita, Sushruta sahita and vagbat sahita is very useful for every doctor. hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and animals. this has presented a detailed and complicated process of making medicines, their classification and their usage. they could even stop blood circulation with a bowel shaped bandage. they could skillfully operate. एब्डोमेन, किडनी कैटरेक, हर्निया स्टोन पाइल्स एंड ब्लैडर एक्सेट्रा तो ये सब ऑपरेशन हमारी कंट्री में दो हजार साल पहले होते थे किडनी ट्रांसप्लांट जो नाम आपने अभी अभी सुना है वो हमारी कंट्री में हजारों साल पहले होता था कैटरेक का ऑपरेशन अभी अभी आपने सुना होगा कि चालू हुआ है पचास साल पहले पर हमारी कंट्री में वो दो साल पहले होता था और एपडोमन से लेके ब्लेडर तक कि सर्जरी हमारी कंट्री में होती थी दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन और डिसप्लेस बॉन्ड एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पेयर्स इन टू द बॉडी इजिली एंड स्किलफुली तो जो भी फ्रैक्चर्स यानी ब्रोकन बॉन्स और डिसप्लेस बॉन्स जो है वो आज की डेट में हम फ्रैक्चर बोलते हैं वो फ्रैक्चर पहले हमारे यहाँ पे 2000 साल पहले ही उसकी क्योर होती थी रेकोग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस डायग्नोस द डिसीज तो डायग्नोसिस जो आज के डेट में डायग्नोसिस मशीन है जो आपकी अगर किडनी या पेनक्रियास काम नहीं करते तो आप जो फूड खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको डायग्नोसिस मशीन्स के थ्रू वापस निकाला जाता है वो हमारी कंट्री में दो हजार साल पहले विदाउट कोई मशीन हम लोग ये करते थे दे ऑल्सो गेव डाइटरी डिरेक्शन आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिसीजिस तो डिसीज कि क्योर करने के बाद पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डाइटरी भी हमारे ये जो डॉक्टर कम साइंटिस्ट है वो देते थे इसके अलावा डॉक्टर्स की ड्यूटी क्या है नर्स की ड्यूटी क्या है उनको कैसे बिहेव करना चाहिए ये सब भी उन्होंने लिख के रखा है दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल ज्वाइनिंग नोज़ एंड ईयर्स तो नोज़ और ईयर्स की प्लास्टिक सर्जरी होती थी आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी अगर आप कराने जा, जाओ जाओ और जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कराते भी हैं तो उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो एक्सपेंस करते हैं जो हमारी कंट्री में पहले इतना इजीली होता था दे अ न्यू इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट्स द मेथड ऑफ सर्जरी बाय डूइंग सर्जरी एंड द डेड बॉडी और ऑन द वैक्स स्टैचू तो ये उन्होंने सीखा और उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को सिखाया वो सिखाने के लिए वो डेड बॉडी को यूज़ करते थे या तो वैक्स स्टैचू बना के उसके थ्रू हमें सिखाते थे, थे जैसे आज के डेट में स्केलेटन जो आर्टिफिशियल स्केलेटन हम यूज़ करते हैं वैसे वो टाइम पर वैक्स स्टैचू यूज होता था दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी दे आर एक्सपर्ट गाइनेकोलॉजिस्ट एंड ट्रिशियन पेडिट्रिशियन भी थे और गायनोकोलॉजिस्ट भी थे यानी आज जो गायनोकोलॉजिस्ट आप देखते हो और वो जो फीस लेते हैं उसके हिसाब से ये जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे वो चिल्ड्रंस uh, के जो भी डिसीज थे और लेडीज़ के जो भी डिसीज़ थे उनको भी क्योर करते थे वेटरनरी साइंस आल्सो डेवलप्ड इन एशंट इंडिया तो खाली ह्यूमंस नहीं एनिमल्स की भी जो भी प्रॉब्लम्स होती रही उनके भी जो भी डिसीज थे उनके लिए भी उन्होंने ये मेडिसिन और साइंस रेडी किया था इट इज़ रियली अनबिलीवेबल दे रॉट बुक्स ऑन डिसीज रिलेटेड टू द हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स हॉर्स और एलिफेंट के जो भी डिसीज होते हैं उनके रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी थी अमोंग देम हस्ती आयुर्वेदा ये जो है वो हस्ती आयुर्वेदा का आ पिक्चर है ये ये जो आप देख रहे हो ये वाला ये हस्ती आयुर्वेदा का है ये वागभट ने जो बुक लिखी थी उनका है और शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्रा ये अश्वशास्त्र के बारे में बुक है ये जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल बुक से सब आर वेल नोन द स्कॉलर्स साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन वागभट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क अष्टांग हृदय ये जो वागभ ने बुक लिखी थी वो इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस इनके बारे में ये बुक के अंदर डायग्नोसिस के रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी तो आप सोचिए कि अगर इतने साल पहले इंडिया में इतना नॉलेज था तो अचानक से ये नॉलेज अब कहाँ चला गया कहाँ डिसअपियर हो गया हम कैसे ये सब भूल गए तो इसके पीछे ये ब्रिटिश रूल का जो पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है ये 200 इयर्स में ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टेंट हमें बोला है कि हमें कुछ नहीं आता हमें कुछ नहीं आता हमें कुछ नहीं आता और फाइनली हमने मान लिया कि हमें कुछ नहीं आता और उन्होंने जो भी हमारे ये फैक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिए या तो कहीं ना कहीं हाइड कर दिए इसलिए ये नॉलेज हमारे माइंड से कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया पर मेरा ऐसा मानना है कि इफ़ यू वर द नंबर वन इन योर पास्ट दैन यू शुड नंबर वन इन योर फ्यूचर यू बिकम नंबर वन इन योर फ्यूचर तो अगर आप हिस्ट्री में अगर आपके पास में अगर नंबर वन थे तो आप फ्यूचर में भी नंबर वन बन सकते हो बिकॉज जो भी हमारा नॉलेज था वो हमारे माइंड सेट कहीं ना कहीं डिसअपियर हुआ है पर जो हमारे जीन्स है जो जो हमारे इंसेक्टर हैं उनके पास से हमें जो जींस में हमारे जो नॉलेज मिला है वो कहीं डिसअपियर नहीं होगा प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस उनके ऊपर नहीं है और हमें ट्रस्ट नहीं है जिस दिन हम लोग ट्रस्ट कर लेंगे हम लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे खुद के ऊपर तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो हमारी हिस्ट्री में हमारी जो रेप्यूटेशन थी हमारी जो लेवल थी हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो फ्यूचर में भी वापस हम गेन कर सकते हैं तो आज के वीडियो में अब हम यहाँ तक ही बात करेंगे इसके पार्ट टू में हम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे तो आई होप कि यहाँ तक के वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको ये लाइक like भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है तब तक स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच